हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ हो। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति महिमा और तारीफ हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। अपने अभी सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। संकटों में से निकाला, खतरों में से निकाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने अगुवाई किया है तो आगे भी आप अगुवाई करेंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, तारीफ करें। जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनादि गिरी धाम है हमारा परमेश्वर, जो शरण स्थान है, जब हम परमेश्वर को पुकारते तो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, सभी लोग धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, सभी लोग धन्यवाद करें कि अभी तक परमेश्वर ने जीवित रखे, संभाला है तो आगे भी संभालेगा, अगुवाई करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा और आदर के योग्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। महिमा में पिता परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, हमारा पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको अनुग्रह देना प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए प्रभु विशेष अनुग्रह देना, हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी हो, ईश्वर के सामर्थ्य नाम। हम जो भी मांगे प्रभु उसको पूरा करना पिता परमेश्वर, लेकिन उसमें आपकी मर्जी होनी चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, एक जगह लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पर क्यों लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। निरंतर लगातार प्रार्थना में बने रहो, लगे रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के आने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा चेलों से कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लेकिन हम चेले को क्या देखते हैं? सोते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जागते रहो, मतलब आत्मा में हर समय तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। जब भी कोई बड़ा काम होने वाला था, कुछ भी ऐसी चीजें थी, तो प्रभु हमेशा कहते थे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन उनके चेले के ऊपर क्या चीज हावी होती थी? नींद। रात्रि में जब प्रार्थना करने की बात आती थी तो नींद उन चेले के ऊपर हावी हो जाती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम क्या देखते हैं? आधी रात में प्रार्थना करते हुए देखते हैं। हालेलुया, अकेले में परमेश्वर से वो प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना करते रहते थे। वो ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जो इच्छा है वही पूरा कर, जो आप चाहते हैं वही कर। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम होशे की किताब में पढ़ते हैं उसका 12वां अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा हुआ है, यहोवा पढ़ेंगे होशे की किताब में 12:6 वचन में, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहा और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहा। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अपने परमेश्वर की निरंतर बाट जोता रहा, मतलब प्रार्थना करते रहा।
हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद। आप चाहते हो आपका जीवन आशीषित हो, आप चाहते हो कि घराना बदले, ये बीमारी जाए, वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, तब वो बीमारी जाना है आपके जीवन से, आपके शरीर से बीमारी जाना है, आपके परिवार से कोई समस्याएं जानी है। हो सकता है आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और अब चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, समस्याएं जाए, और अब चाहते हैं जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती है, प्रभु दुष्ट आत्मा से पूर्णति से छुटकारा मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें पावर की जरूरत है। हालेलुया, सामर्थ्य की जरूरत है। अब ये बीमारी, ये समस्याएं, कोई भी चीज, ये सब क्या है? अंधकार की शक्ति है। अब उससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पावर, सामर्थ, अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला सीढ़ी यही है, पावर को लेने के लिए, सामर्थ को लेने के लिए, अभिषेक को लेने के लिए। पहला सीढ़ी क्या है? क्या पढ़ा अभी हमने? हालेलुया। इसलिए तो अपने परमेश्वर की ओर फिर और कृपा और न्याय के काम करता रहा। पहला एक वचन लिखा कि अपने परमेश्वर की ओर फिर, परमेश्वर की ओर आ जा। यदि तू अंधकार में है, यदि अभी भी तू गलत कामों में लगा हुआ है, तो परमेश्वर की ओर आ जा। यदि अभी भी तू झूठ में है, तो परमेश्वर की ओर आ जा। यदि अभी भी तू शराब में, नशा में, झूठ में, व्यभिचारी में, गलत कामों में है, धोखा दे रहा है, बेमानी का काम कर रहा है, तो परमेश्वर के फिर और कृपा और न्याय के काम करता रह। उसके बाद अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोता रहा। पहले मन फिरा और प्रार्थना कर, परमेश्वर की बात जोता रहा। प्रार्थना में सब कुछ, मतलब रोज प्रार्थना कर और नित्य प्रार्थना में लगे रहा, निरंतर प्रार्थना करते रहा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। शैतान जीवन को क्या करना चाहता है? उसका यही काम है कि आपको परमेश्वर से अलग थलग कर दे, दूर दूर कर दे, ताकि परमेश्वर के निकट ना आए। आप प्रार्थना ना करें, आपके जीवन में क्या उथल पुथल हो जाए, कि आप प्रभु को छोड़ दे। और पहला काम आप एक ही काम करें जो शैतान चाहता है, कि आप पहला चीज ही प्रार्थना करना छोड़ दे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? फर्स्ट थिंग्स मन फेरा और प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहा, नित्य प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने चेलों को भी कहा कि नित्य प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना में लगे रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। और जो हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में क्या होना चाहिए? आप मांग रहे किसी चीज, हालेलुया, नित्य प्रार्थना में लगे रहा और नित्य प्रार्थना करते रहे। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जी। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी मांग लो, कुछ भी कर लो तो मिल जाएगा। लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यह कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है, ये है प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु के धन्यवाद हो। जब हम अपना अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, क्या लिखा है रोमियो की किताब में 12वां अध्याय में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 12वां अध्याय में पहला वचन में कि इसलिए हैं भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही है कि आपको क्या करके चढ़ाना, पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और संसार का सदृश न बनो। हालेलुया, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारी जो भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में फल आना चाहिए। हालेलुया, विश्वास बढ़ना चाहिए, फल दिखाई देना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, चाल चलन बदलना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए। और क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा मालूम करते हुए करते रहो। मतलब प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको क्या करते जाना है, मालूम करते रहो और उसके अनुसार चलते रहो। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को करना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, पवित्रता में चलना चाहिए, विश्वास से बढ़ना चाहिए। हमारी प्रार्थना जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे तो फल आएगा, फल दिखाई देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए? हमारी प्रार्थना फल लेकर आने वाली होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में कैसी क्या आना चाहिए? हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मर्जी दिखाई देना चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में छल कपट, हाँ इसको ऐसे कर दे, हाँ उसको ऐसा कर दे। मतलब कई लोगों की प्रार्थना में गलत चीजें भी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उनका जीवन सही दुखदायी वाला रहता है, सही नहीं रहता। लेकिन हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी होना चाहिए। वचन के अनुसार प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे, पढ़ सकते हैं रोमियो की किताब में 8:20 में। हालेलुया, हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए? हालेलुया, कपट रहित, छल रहित, प्रभु की मतलब प्रार्थना ऐसी होना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे।
हाले हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए, हमारे हृदय जब प्रार्थना करते हैं क्षमा करने वाला, हाले लोहिया मेल मिलाप वाला, नित्य प्रार्थना करते रहो और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करो, हाले लोहिया। और तब सचमुच में जब हम प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर की मर्जी जो है, बाइबल कहती है उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो फल लेकर आएगी, वो प्रार्थना आशीषों को लेकर आएगी वो प्रार्थना। हाले लोहिया प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हाले लोहिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है हमारे प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए, क्षमा वाला मन फिराने वाला, हमारी प्रार्थना फल लेकर आने वाला होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में अपनी खुद ही अपनी मर्जी अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं, वो हमारी प्रार्थना में ऐसी होना चाहिए जैसे परमेश्वर की महिमा हो, वो फल लेकर आने वाला होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, वो फलदायक होना चाहिए, वो प्रार्थना ब्लेसेड और आशीषित होना चाहिए, वो प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। ये सब अपने बल से ना शक्ति से लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हालेलुया हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जब बुरी इच्छा से मांगते हैं जिसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती तो फिर वो नहीं मिलता, लेकिन जब वो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु उसे जरूर करता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम जब पढ़ते परमेश्वर के वचन को दाऊद है, वो कहता है मैं पुकारूंगा प्रभु मुझे छुड़ा लेगा, और उसकी प्रार्थना में क्या था, निश्चय तथा हाँ कर देगा प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु मुझे जरूर छुड़ाएगा, मुझे जिलाएगा, मुझे उठाकर खड़ा करेगा, मैं सेम नहीं रहूंगा, ये बीमारी भाग जाएगी, अभी प्रार्थना करें मेरी बीमारी जरूर भागेगी, ये प्रार्थना नहीं पता नहीं करेगा कि नहीं, हम नहीं जानते प्रभु, पता नहीं क्या मर्जी, आपको पता होना चाहिए, आप बाइबल पढ़ते को पता होना चाहिए कि प्रभु की मर्जी क्या है, ये वचन क्या कहता है, आपके जीवन में आपको कौन सी प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रभु की मर्जी पूछे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करे, इच्छा के अनुसार मांगे तो प्रभु जरूर करेगा, जैसे हन्ना प्रार्थना करती है और वो कहती है कि प्रभु मुझे दे, हालेलुया, वो बिलक बिलक कर रोती है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए मांगती है तो प्रभु उसे देता है और पूरा करता है। यदि आज भी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे जिसे प्रभु की महिमा हो, सचमुच में आपकी प्रार्थना फलदायक होगी, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने आप को सरेंडर करें, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने का आत्मा तेरे अभिषेक दे, आपकी मर्जी सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम, प्रार्थना करने का आत्मा तेरे अभिषेक दे यीशु के समर्थन नाम में, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु के समर्थ नाम में, हालेलुया हालेलुया, रबे के तेरे लब गदिर लब शंत्र लब कतिरा, मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते रिक्त समस्या जाए, मैं प्रार्थना करते सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, ये प्रार्थना जब आप करो तो वो प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी दिखाई दे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मांगे जो मांगोगे, हाँ प्रभु गवाही दूंगी, हाँ प्रभु गवाही दूंगा, हाँ प्रभु ये मेरी जिन्हें जरूर करेगा, मुझे छुटकारा देगा, मुझे चंगा करेगा, मेरे विश्वास है, विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के समर्थ नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती आशीष में होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु की प्रार्थना में फलदायक हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी दिखाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, रेबे के तिर डबगदिर डबशंत तत्तर रेबे के तिर डबगदिर डबगदिर डबशंत डबकतिर, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, प्रभु की स्तुति में मां तारीफ, धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुनिए, आपका धन्यवाद करते आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ नाम में, हम प्रार्थना करते यीशु के समर्थ नाम में, रे वे के तिर डबग दिर डब शंत तर रे वे के तिर डबग दिर डबग दिर, प्रभु मदद कर सहायता कर यीशु के समर्थ नाम में, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु यीशु के समर्थ नाम में बंधन टूट जाए, प्रार्थना करने का आत्मा दे, यदि जो बीमार है यीशु के समर्थ नाम में डांटते बीमारी समस्या के कष्ट मुसीबत तकलीफ खत्म हो जाए, हालेलुया, अपने अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, जो भी दर्द है जहां बीमारी वहां पर रखें, वो रे बे के तिर डब गदिर डब शंत रे बे के तिर नमानी रे बंग तिर डब गदिर, अरे बंधन टूट जाए, बीमारी चली जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में, आपकी प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी दिखाई दे, इच्छा के अनुसार दिखाई दे, आपकी प्रार्थना फलदायक हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते बंधन टूट जाए,
छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। इसी वक्त यदि हड्डी की रोग समस्याएं जाए, स्वेलिंग है जाए, गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त पीठ का दर्द जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, घुटने का दर्द जाए, ईश्वर के समर्थन नाम में, पैर का दर्द जाए, गले का दर्द जाए, आंखों में जो भी प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, कान में जो भी प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थन नाम में भी हील एंड बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। घुटने का दर्द जाए, उंगली का दर्द जाए, ईश्वर के समर्थन नाम में, हर प्रकार की स्वेलिंग जाए, ईश्वर के समर्थन नाम में, जो कोरोना महामारी वो खत्म हो जाए ईश्वर के समर्थन नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, खत्म हो गया प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु, जिनके जीवन से जा चुकी है धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, नई जीवन दान के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ से ना होगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, इसी वक्त जो बच्चे बीमार हैं, अरे बेखे तेरे डबक दीरा डबक शन तेरे डबक दीरा डबक दीरा, बोले जो बच्चे बीमार हैं बोले क्लेम करके परमेश्वर, बच्चा आपका है प्रभु, ये आपकी महिमा के लिए दे देती हूँ, बोलो आपकी महिमा के लिए दे देता हूँ पिता परमेश्वर। ये बच्चा आपके प्रभु जी, इसकी जीवन में तेरी मर्जी हो, बोलो पिता परमेश्वर, परमेश्वर की मर्जी प्रभु जी, इन बच्चों के जीवन पूरी हो, आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। हालेलुया प्रभु, मदद कर, सहायता कर प्रभु, छुटकारा दे, चंगा कर, यीशु के सामर्थ्य नाम मेरी बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम मेरी एक समस्या जाए, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार के स्किन के रोग चंगे हो जाए, हर एक कोरोना महामारी है यीशु के सामर्थ्य नाम गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ और जाते जाओ, नए जीवन की घोषणा करती आपके बच्चे के ऊपर। मैं प्रार्थना करती जितने रोगी है, जो इतनी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर रोग जा चुका है, शुगर और बीपी, गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस। चंगाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक समस्या जा चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। छुटकारा और चंगाई और जीवन के लिए धन्यवाद, सभी प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, आपकी मर्जी सभी भाई बहनों के जीवन पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। सारी प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करते हैं, एक जन के यीशु के नाम में कवर करते हैं और ढांप देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो कर्ज में है फंसे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आर्थिक समस्याएं जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, प्रभु मदद कर और गवाही का जीवन दे, ये फलवंत हो इनका बिजनेस, फलवंत इनका काम और जॉब और आशीषों को लेकर आए, इनके हाथ की कमाई फलवंत हो, आशीषों को लेकर आए, हर एक श्राप इनकी कमाई से जाए, हर एक समस्या इनके परिवार से जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हूं पेपर आपका डॉक्यूमेंट सब ब्लेस्ड और आशीषित होकर परिवर्तित हो जाए, आपके नाम की महिमा हो इनके जीवन से, इनके परिवार से, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से, इनके परिवार से जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं। इनका टूटा हुआ परिवार, बिखरा हुआ परिवार एक कर देते हैं ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो जिनका हस्बैंड घर छोड़कर चले गया या फिर जो बात नहीं करता या गलत चीजों में, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस लेकर आते हैं द मैटी नेम ऑफ जीसस का। अभी सभी लगातार प्रार्थना करते रहे, क्या लिखा, नित्य प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी प्रार्थना का स्टॉप नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में बने रहो, रोजाना प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के समूह उपस्थित किए जाए। हालेलुया प्रभु, जरूर सुनेगा प्रार्थना का, यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ, चंगाई दिया धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, हम धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, ईश्वर की मर्जी सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, रात को सबको अच्छी बैठी नींद देना, और ये अंधकार की शक्ति ईश्वर के सामर्थ्य नाम में जाए, हालेलुया, सब दर्शन की तरफ बात करना, मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक जरूरतों को इनके जीवन पूरी करना, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी, मदद करना, इनकी कमाई इनका कामकाज को मैं फिर से एक बार आपके हाथों में समर्पित करती, ब्लेस करना, इनका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, उनके पीछे चलने के लिए मदद कर, सहायता कर प्रभु, का आगमन बहुत निकट रस तैयार कीजिए और राज्य भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह की मीठे पद नाम से
से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपने गवाहियों को देना ना भूले। प्रार्थना करवाने के लिए प्रेयर लाइन नंबर दिया गया, इसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपना दशमांश, अपने भेंट को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं, और स्कैन है बार कोड है उसके स्कैन करके भी आप ऑफरिंग दे सकते हैं। हालेलुया, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार प्रार्थना करें चल भवन की जमीन के लिए, लगातार प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना चाहिए। प्रार्थना में याद रखें, मुझे, मेरे परिवार को और टीम को, प्रेयर वॉरियर के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम और परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सुसमाचार को फैला सके, और आगमन के लिए हम सभी तैयार हो सके, हम सब भी तैयार हो सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और पवित्रता में बढ़ते जाए यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे आप सभी लोगों को। जय मसीह की।